स्टार्ट करते हैं। भारत के नवीन कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो तुम लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अचानक ये एक डिसीजन आया, ठीक है, जो कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, पूर्व कानून मंत्री, उनको उनकी सेवा से निवृत्त करके और अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। अभी किरण रिजिजू बहुत चर्चा में थे, और क्यों चर्चा में थे, उसका रीजन ये था कि अभी हमारे नवनिर्वाचित सीजेआई भी बने हैं, है ना, डीवाई चंद्रचूड़। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी के कुछ स्टेटमेंट आए जिन कॉलेजियम सिस्टम को लेके, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, कॉलेजियम सिस्टम को लेके, तो वो अभी काफी दोनों चर्चा में थे। म्यांमार और बांग्लादेश तट पर कौन सा चक्रवात आया है, कौन सा आया है, इसे मोचा कह दो या मोका। देखो प्रोनंसिएशन डिफरेंट करता है रीजन टू रीजन। हमारी कंट्री में सी एच को हम केमिस्ट्री में उसे के पढ़ते हैं, के साउंड होता है, और कुछ अलग जगहों पे जैसे चेयर है तो सी का साउंड, सी एच का साउंड आता है चा। तो मोचा या मोका दोनों चलेंगे। कहाँ पर आए हैं चक्रवात? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और वो भी अब ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगी बंगाल की खाड़ी है किधर, ठीक है, किसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अब चक्रवात क्या होता है, क्या होता है चक्रवात, साइक्लोन क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, तूफान होता है, बारिश भी आती है उसके साथ में, है ना। साइक्लोन एक तूफान होता है, मीन्स विंड स्पीड उसमें बहुत ज्यादा तेज विंड स्पीड होती है, प्लस बारिश के साथ आता है और बहुत डिस्ट्रक्शन वो कॉज करता है ना। इससे पहले भी उसकी तट पे एक फानी आया था 2019 में, अगर तुम्हें याद हो फानी। तो ये अलग अलग तरह के साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, अब जो है ना मानसून का सीजन है तो अब वहाँ पे डेवलप होंगे, मानसून में वहाँ पे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि लो प्रेशर हो जाता है बेटा, हीट इतनी पड़ती है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर हो जाता है ना, निम्न दबाव कह सकते हो तुम, वो हो जाता है, उसकी वजह से चक्रवात डेवलप होता है। कर्नाटक में हाल ही में किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया, सिद्धारमैया, ये पहले भी रह चुके हैं वहां के मुख्यमंत्री, जो इससे पहले वहां के बीजेपी से मुख्यमंत्री थे उनसे पहले यही थे, ठीक है। और अब ये दो तीन दिन बाद कांग्रेस के जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, कांग्रेस जिसमें बहुमत से आई है कर्नाटक में, उसके बाद क्या हुआ है कि इनमें और एक और है शिव कुमार, उनके बीच में ये था कि ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बिकम चीफ मिनिस्टर एंड ही इज ऑल्सो aspiring फॉर द चीफ मिनिस्टर पोस्ट। तो अब इनके बीच में सुलह करवाई गई एंड आफ्टर दैट ये डिसीजन लिया गया कि 2.5 यानी ढाई साल ये रहेंगे मुख्यमंत्री, ऐसा अभी सुनने में आया है, कुछ कंफर्म नहीं है, और ढाई साल शिव कुमार रहेंगे, और तब तक शिव कुमार क्या बने रहेंगे, इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, है ना। तो तब तक वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में नए न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया, देखो ये भी कल ही नियुक्ति हुई है, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन। अब यहीं से हम बात करते हैं व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। देखो तो मैंने शायद तुम्हें पॉलिटी की क्लास में बताया कि व्हाट इज कॉलेजियम है बेटा, नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे इलेक्ट होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं नियुक्त किए जाते, अपॉइंट कैसे किए जाते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम में बेटा 5 जज होते हैं, 5 जज, है ना, 5 जजेस होते हैं, और उन 5 जजेस में कौन इंक्लूड होता है, 4 तो उसमें चीफ जस्टिस होते हैं, और फिफ्थ कौन होते हैं हमारे सीजेआई, है ना, सीजेआई प्लस 4 अदर जजेस, तो ये कॉलेजियम होता है। तो ये रैंक के हिसाब से नियुक्त करते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सीनियरिटी आपकी है उसमें, सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी आपकी है, सीनियरिटी मीन्स के आप 2 साल बाद आपकी 65 इयर्स होने वाली है, 3 साल बाद आपकी 65 इयर्स एज के बाद रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी और कहीं भी किसी भी कोर्ट में फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज अ जज। हाँ उनकी और मिनिस्ट्रीज वगैरह में नियुक्ति हो सकती है, जैसे कि वो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बनाए जा सकते हैं, कुछ और लॉ मिनिस्टर नियुक्त किए जा सकते हैं, बट वो फिर जज एज अ जज कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते आफ्टर 65 इयर्स। तो सीनियरिटी के हिसाब से जो भी होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। तो अब ये दो क्यों नियुक्त किए गए, क्योंकि बेटा वहां पे 2 जज रिटायर हो रहे थे, जस्टिस जोसेफ और एक अदर है जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक तो जस्टिस जोसेफ है और एक अदर है, उनको रिटायर हो रहे थे, तो उनके रिटायर हो
दो नियुक्ति करना जरूरी है, क्योंकि बेटा बेंच खाली नहीं रख सकते ना, क्योंकि वहां पे पेंडिंग केसेस ऑलरेडी है, अगर वैकेंसी रखेंगे उसे फिल करना जरूरी होता है, तो ये दोनों निर्वाचित किए गए। अब हाल ही में किस देश ने नाटो, नाटो का भी नाम सुना है, NATO और नाटो बहुत पॉपुलर नाम है नाटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन में कहूंगी, खतरनाक इन द सेंस कि ये ऑर्गेनाइजेशन सारे यूरोपियन, सारे नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन ने साइन की हुई है, जैसे कि तुर्की और ब्रिटेन, ब्राजील उधर है, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन पे जो हमला हुआ है उसका रीजन भी यही था, तो रशिया को काउंटर करने के लिए, मींस रशिया को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ मींस उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक किसका नाम है, सागर का, तो जो उत्तरी अटलांटिक में कंट्रीज हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसे नाटो कहते हैं शॉर्ट में, तो फिनलैंड ने ये अभी ज्वाइन किया गया है। तो लेट मी एक्सप्लेन कि यूक्रेन पे जो हमला हुआ है उसका रीजन क्या था। देखो यूक्रेन बिल्कुल रशिया के बॉर्डर से लगा हुआ है ना, वो रशिया का ही एक समय USSR के टाइम पे रशिया का पार्ट था, ठीक है। अब वो जब वो हो गया स्वतंत्र आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये सारी कंट्री, बहुत सारी कंट्री स्वतंत्र हो गई, USSR खत्म हो गया था उस समय, तो ये बनाया गया सुपर पावर को, उसको रशिया को काउंटर करने के लिए। यूक्रेन की बातें आ रही थी लाइक कि यूक्रेन गोइंग टू जॉइन नाटो, ये अलायंस ऐसी है कि अगर फिनलैंड पे हमला होता है किसी कंट्री का, तो जितनी नाटो में कंट्रीज हैं वो सब फिनलैंड को सपोर्ट करेंगी, किससे, वेपन्स भी, और मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे, न्यूक्लियर वेपन हुए या कैसे भी आर्म्ड वेपन, जो भी जैसे भी वेपन्स हुए वो सप्लाई होगी, फूड, पैसा, जितना जो जरूरी होगा वो। तो नाटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अब यही तो हो रहा है, रशिया अकेला पड़ा हुआ है ना, और नहीं इंडिया नहीं जोन कर रखा, इंडिया को ये बहुत चाहते हैं कि हमें ले ले, लेकिन बेटा हम प्रिंसिपल हमारे अलग है, हम उसूल के पक्के हैं अपने, हम फॉलो करते हैं ये NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, हम ये फॉलो करते हैं। नॉन अलाइन मतलब ना तो हम इधर है ना इधर है, वी आर न्यूट्रल। अगर देखो यूक्रेन ने रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है तो हम किसी की साइड नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो रशिया हमारा अच्छा पार्टनर है ना, हर चीज में हमारी हेल्प के लिए वो खड़ा रहता है, तो रशिया से हम क्यों बिगाड़ रहे भाई किसी और के लिए, यूरोप हमें बचाने थोड़ी आएगा जब हम पे कोई हमला कर देता है, तो इवन पाकिस्तान के साथ हुआ कोई नहीं आया हमारे लिए, रशिया था उस समय, ये चाइना ने जब किया तो रशिया ने इंटरवेन किया, कहीं से भी अगर हमारे पे किसी भी तरह की मुसीबत आई। अब वर्ल्ड वॉर की मैं बताती हूँ तुम लोगों को, जापान ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान हमारी तरफ हमला के लिए आ रहा था, बिकॉज ब्रिटेन उस समय ब्रिटेन हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ से आर्मी गई थी, हम भी ब्रिटेन का एक तरह से पार्टी थे, कॉलोनी थे उसकी, तो जापान ने हम पे हमला करने की मतलब आ गए थे वो इसमें इंडियन ओशन तक, रशिया ने उधर से ही आर्मी भेज दी, वहां से हटवा दिया, तो ये एक चीज थी कि हमारे लिए वो हमेशा खड़ा रहा है, तो हम कैसे अगेंस्ट में, तो हम ना न्यूट्रल रहते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ नहीं है ना, हम न्यूट्रल है, बैलेंस है और न्यूट्रल है। यूएन में भी कितनी वोट हुई थी, अभी यूएन में ये वोट हुई, वोटिंग होती है ना यूएन में कि रशिया को चारों तरफ से घेर लो, कि वोटिंग हुई कि रशिया पे सैंक्शन लगाने चाहिए या नहीं, प्रतिबंध लगाने चाहिए या नहीं, तो उसमें हमेशा इंडिया ने अब्सटेन कर दिया वोट से, इंडिया ने वोट नहीं की ना तो फेवर में ना अगेंस्ट में, और ये हमारे लिए जरूरी है बेटा, वी आर ना मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और एक और चीज है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो खुद की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा है, हम अभी वॉर में इंडल्ज होना चाहते ही नहीं है, और वॉर आर एक्सपेंसिव, अगर वॉर होएगा तो उसका इम्पैक्ट एक इंसान पे नहीं पड़ेगा या आर्मी पे नहीं पड़ेगा, पूरी कंट्री पे पड़ता है फिर, तो ये चीज है, ड्रेन ऑफ रिसोर्स होगा ना अगर कोई वॉर में, देखो यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, वॉर में इंडल्ज है, वहां की इकोनॉमी ये सब, वो तो नाटो है जो वहां से सपोर्ट आ रहा है, जर्मनी, पोलैंड, ये सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली, तो इसलिए रशिया ने यूक्रेन पे वॉर हमला किया था कि अगर ये नाटो में जुड़ गया तो ओपनली हम पे हमला हो सकता है, मींस रशिया पे ओपनली हमला हो सकता है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो रास्ता बन जाएगा रशिया में एंटर करने का, और जगह से रशिया में एंटर नहीं किया जा सकता, उस जगह से एंटर किया जा सकता रशिया में,
क्योंकि पीछे से तो वो कर ही नहीं सकते। मैंने बताया तो तुम्हें याद हो कि पीछे बहुत सारे पहाड़ और इतना ऐसा इनहॉस्पिटेबल जगह है वो, सर्बिया वगैरह से इतनी ठंड पड़ती है, वहां जा ही नहीं सकते, सैनिक ही जिंदा नहीं रह पाए। तो ये था हाल ही में कौन सा भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन कावेरी का संबंध किस देश। देखो ऑपरेशन कावेरी इतना अभी पॉपुलर था, न्यूज पे था, क्यों? सूडान में। देखो सूडान में दो है मिलिट्री, एक वहां की पैरा मिलिट्री है, एक अदर मिलिट्री है। तो वहां के दो वो हैं लीडर, वहां पे लड़ाई क्यों चल रही है, वहां के दो लीडर हैं। अब वो कौन कौन से लीडर हैं? देखो मैं तुम्हें नाम बताती हूँ। हाँ तो एक तो है जैन अब्दुल फतेह अल बुरहान और एक है मोहम्मद हमदान दागलो। तो ये दो लीडर हैं। तो जो मिलिट्री सपोर्ट करती है फर्स्ट वाले को, जैन अब्देल को, वो, और जो दूसरी को करती है मोहम्मद हमदान को जो सपोर्ट करती है, वे मिलिट्री आपस में लड़ रही है वहां पे, मतलब वहां खूब बॉम्बिंग हो रही है मिलिट्री, और वहां पे हमारे कम से कम 3,000 से अधिक लोग वहां पे रुके हुए थे, क्योंकि बेटा काम के लिए जाते हैं सब, बाहर काम देखने के लिए जाते हैं ना, तो कम से कम 3,000 के करीब इंडियंस थे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां एयरक्राफ्ट भेजे, मींस एयरफोर्स को भेजा, अपने सैनिक वहां से अपने जो लोग हैं उनको उठाया लिया, फिर वहां पे उनको भेजा सऊदी अरेबिया जद्दा एयरपोर्ट पे, और जद्दा एयरपोर्ट से वो हमारे यहाँ फ्लाइट से दिल्ली मुंबई जहाँ के वो थे वो वहां से आए। मोस्टली बेटा कुछ यूपी से भी थे, कुछ दिल्ली से, कुछ कर्नाटका से, ज्यादा साउथ इंडियन से थे, साउथ इंडिया वाले। तो क्योंकि वहाँ काम करने जाते हैं, अब ये नहीं पता था कि वहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो वहाँ की राजधानी खारतूम और एक और है दारफुर, वहाँ पे बहुत ज्यादा बॉम्बिंग हो रही थी और लोग मारे जा रहे थे। तो इसलिए हमें ये मतलब कदम उठाना पड़ा, अपने भी अपने नागरिक कैसे मरने देंगे कहीं पे। हाँ यूक्रेन में तो बुला लिए थे, क्या चलाया था उस समय, कौन सा ऑपरेशन था? मेरे ख्याल से वंदे भारत था, कौन सा था, कुछ एक एक नाम था वंदे भारत, कुछ ऐसे एक और ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी, और इसके तहत वहां से हमने अपने नागरिक बुला लिए। ठीक है, अब देखो ये हक्की पक्की ट्राइब इसी से रिलेटेड है। वहां पे हमारी कर्नाटका की एक जनजाति है जो काम के लिए गई हुई है, दैट इज हक्की पक्की जनजाति, उसका नाम है हक्की पक्की जनजाति। तो ये जनजाति इस राज्य से है, कर्नाटक से है। तो मोस्टली कर्नाटका की कम से कम 181 मेंबर थे, 181 लोग थे वहां पर जो फंसे हुए थे, 181। अब हाल ही में किस देश के राजा ने भारत का दौरा किया? तो भूटान के किंग अभी आए हैं, भूटान में अभी भी किंग है, याद हो तो मैं बताऊं, क्योंकि वहां पे अभी मोनार्क हैं। तो भूटान में ये आए थे किंग जिग्मे नामग्याल वांगचुक। ठीक है, इनका नाम बहुत ऐसे है जैसे कि हमारे नॉर्थ में है, कुछ लद्दाख में, और ये तो इस तरह का सब नेम है वांगचुक। हाल ही में चर्चा में रहे जल्लीकट्टू। अच्छा जल्लीकट्टू कभी सुना है नाम? खेल है एक जल्लीकट्टू, बुल फाइटिंग, क्या है ये? बुल टेमिंग की फाइट होती है ना जल्लीकट्टू, तमिलनाडु से बुल टेमिंग। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, जो बुल होता है बैल, बैल से भी भारी जो बैल होता है, ठीक है, बुल है ना, ये नॉर्मल बुल नहीं, वो बुल ही अलग होता है, लाइक बहुत, अरे वो कौन सी मूवी थी, बाहुबली, कौन लड़ता उसमें, बल्लाल देव, जो बल्लाल देव जिस बुल से लड़ता उस वाले बुल की बात हो रही है। ठीक है, तो बुल टेमिंग, तो उसमें क्या करते हैं, लेकिन इंजर्ड भी हो जाते हैं। अब ये बहुत ज्यादा इसलिए चर्चा में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये स्पोर्ट इनके उसका पार्ट है, लाइक इनके कल्चर का पार्ट है ना। तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि बेटा जो रिलीजन कम से कम 20 या 30 साल से चला आ रहा हो, जो कल्चर किसी का, उस पर रोक अचानक से उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये कस्टम है कि किसी का कस्टम अगर 20 साल से अधिक से चलता आ रहा है तो वो कस्टम में आता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मोमडंस में एक वो होता है ना, मुहर्रम के टाइम पे वो होता है, अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, है ना, वो निकालते हैं ना, वो निकालते हैं क्या, प्रोसेशन निकालते हैं ना, जुलूस प्रोसेशन निकालते हैं जब, तो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। उस पे भी कहा था कि प्रतिबंध लगा दो, तो देन ऑल्सो जो कोर्ट है या जो भी अथॉरिटीज है उन्होंने कहा कि ये इनके पार्ट, रिलीजन का पार्ट है, ये तो तब से चला आ रहा है जब हम भी नहीं थे, है ना, उनके जब से उनके प्रॉफिट हुसैन है तब से चलता आ रहा है,
इन चीजों में ऐसी जो चीजें हैं प्रैक्टिस है, उन पे रोक लगाना बहुत मुश्किल है। तो जल्लीकट्टू पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि रोक नहीं लगा दी जा सकती। वो क्या करते हैं, बुल से लड़ते हैं, फाइट होती है, वो उन्हें मार भी देता है, मर भी जाते हैं, तो ये उनके कल्चर का पार्ट है। पर ठीक है, अब हाल ही में चर्चा में रही मीटी, गैर जनजाति और कूकी जनजातियां कहां के निवासी हैं। देखो कूकी और मीटी ट्राइब के बारे में मैं बता रही हूँ कि क्यों अभी इनके बारे में इतनी बात हो रही थी। मणिपुर में कूकी, झूम कुछ जनजाति हैं। जो कूकी है और झूम जनजाति है, ये वहां की रहने वाली है, जोमी या झूम जो भी है वहां की रहने वाली है। लेकिन जो मीटी जनजाति है, ये जनजाति नहीं है, ये वहां की असल मतलब रहने वाली जनजाति नहीं है, लोग बाहर से आके रह गए। तो वहां के अभी एक ऑर्डर आया था कि इन जनजातियों को एससी का स्टेटस दे दिया जाए, नहीं एसटी का स्टेटस, शेड्यूल ट्राइब। तो बेटा मैं बताती हूँ व्हाट इज शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इनको कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं, है ना, प्रिविलेज मीन्स इनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं अगर ये शेड्यूल ट्राइब में ऐड हो जाते हैं। तो जब मीटी जनजाति को बात आई इनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने की, तो वहां की जो कूकी ट्राइब है वो लोग भड़क गए कि क्यों इनको क्यों दे रहे हैं, बिकॉज जबकि तो ये यहाँ के रहने वाले भी नहीं है। उसकी वजह से इतना वॉयलेंस हुआ है कि वहां पे शूट एट साइट के ऑर्डर हो गए थे, और वहां पे इतना ज्यादा वॉयलेंस हुआ था कि फिर सारी चीजें शांत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ऑर्डर आपने पास किया है ना वो वापस करो, लोग मर रहे हैं वहां पे, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो शांति स्थापित करना, और कुछ करना नहीं है, पहले शांति स्थापित करो उसके बाद तो वहां की गवर्नमेंट को बहुत फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा है कि जो ऑर्डर दिया है वापस करो, लोग मर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तुमने ऑर्डर दे दिया लोग मर रहे हैं। तो ये चीज है। तो कूकी और ये जनजाति कहाँ की है, मणिपुर की। अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बुरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम की है। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि काजीरंगा से कुछ एनिमल्स यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात चल रही थी, तो ये असम है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। और कॉलेजियम सिस्टम बहुत जरूरी है, इसलिए इसे याद रखें।